दोस्तों, जैसा कि मेरे पास बहुत सारे लोग का सवाल आया, मैसेज आया कि सर ये 5 लीटर अल्ट्रा का डायग्नोस्टिक मैनुअल मिलेगा क्या? 5 लीटर अल्ट्रा का डायग्नोस्टिक मैनुअल है क्या? तो आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि 5 लीटर अल्ट्रा का डायग्नोस्टिक मैनुअल है। जी हाँ, आपको चाहिए बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए, अल्ट्रा 5 लीटर 3 लीटर, ये दिख रहे हैं आप स्क्रीन पे? ये देखिए, EMS 3 लीटर अल्ट्रा EMS 5 लीटर अल्ट्रा, ये फाइल फोल्डर में है, जिप फाइल में है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको टाटा का सॉफ्टवेयर, गरुड़ा वीकेंटर, महिंद्रा का आई स्मार्ट, जाल टेस्ट का हार्डवेयर, VXDIG हार्डवेयर चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करिए। बहुत कम प्राइस में सबसे सस्ता और सर्विस सपोर्ट के साथ आपको दिया जाए। कोई भी हार्डवेयर आप लें या मेरे से लो या ना लो, लेकिन आपको सर्विस सपोर्ट चाहिए तो भी आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो। कोई भी गाड़ी हो, टाटा महिंद्रा की, एनी टाइम सर्विस सपोर्ट आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। ये अल्ट्रा 5 लीटर, सबसे पहले अल्ट्रा 5 लीटर में मैं आपको देख रहे हैं, यहाँ पर डबल क्लिक किया डायग्नोस्टिक मैनुअल पे, ये देखिए ओपन हो गया। ओके, DTC ट्रबल कोड शॉर्ट, ये टोटल इसमें देख रहे हैं 345 पेज का है, जिसमें आपको मैं कुछ बुलेट पॉइंट दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, AC क्लच, रिले क्लच, रिले क्लच, इंटरनल मास एयर फ्लो सेंसर, कैम शॉट पोजीशन सेंसर, कैम शॉट पोजीशन सेंसर, इस तरीके से टाइमिंग ओवर एडवांस और सिस्टम परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें, फॉल्ट कोड एडिशन। अब मैं आपको कोई फॉल्ट कोड पैसा बोले वो मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। ये देखिए, वायरिंग डायग्राम इसमें अवेलेबल है। ये देखिए, तो जैसा कि आपको एक कोई सेंसर पे आपको चाहिए, ये कोड आ रहा है, ये कोड जैसा P0103 मास एयर फ्लो सेंसर। अब मैं आपको मास एयर फ्लो सेंसर के बारे में स्टार्टिंग से लेके मैं आपको बताता हूँ, मास एयर फ्लो सेंसर क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ लगा होता है, लोकेशन के साथ मैं आपको बताऊँ, कितने पिन का होता है, सारी चीज़। देखिए, सबसे पहले P0103 ये फॉल्ट कोड मास एयर फ्लो सेंसर का है। ये मास एयर फ्लो सेंसर का जब कोड आए तो आप गाड़ी में क्या काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो ज़रा सी स्किप मत करेंगे, नहीं तो आप फॉल्ट कोड, कोई फॉल्ट कोड का कोड तो जान लेंगे पर उसका डिस्क्रिप्शन नहीं जान पाएंगे। आपको कभी भी डिस्क्रिप्शन अगर नहीं जानेंगे तो आपको काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जब तक एक बार फॉल्ट कोड डिस्क्रिप्शन जान लेंगे तो काम करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें तो चेक पॉइंट दिया होता है, क्या होता है, टाटा की गाड़ियों में सबसे अच्छा तो यही है कि कोई भी गाड़ी हो टाटा की, इसमें डिस्क्रिप्शन आपको पूरा लॉन्ग मिल जाता है, आप आसानी से चेक कर पाओगे। चेक पॉइंट आपको दिया रहता है, क्या क्या पॉइंट चेक करना रहता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ, सबसे पहले चेक द कनेक्टर प्रॉपर फिटमेंट डैमेज ETC, आपको चेक करना है जो इसका कनेक्टर है, जो इसका कपलर है एयर मास फ्लो सेंसर का, ये कपलर पूरा प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, और कहीं से लीकेज तो, सॉरी, कहीं से इसका वायर ब्रेक तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं दिख रहा है, ये फिजिकली आपको देखना है। फिर उसके बाद सेंसर फॉर ऑक्सीडेशन रस्ट आपको चेक करना है। कभी कोई सेंसर जो होता है, सेंसर एग्जाम्पल दैट, ये पेन को मैं सेंसर मान लेता हूँ। अभी ये पेन का जो यहाँ पे ये है, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये देख रहे हैं पेन का, जहाँ से हम लोग लिखते हैं, अगर यहाँ पर रेस्ट रहेगा तो ये पेन चलेगा अच्छे से, एग्जाम्पल। इसी तरीके से हमारा सेंसर भी काम करता है, अगर सेंसर के जहाँ पे सेंस करता है वहाँ पे रस्ट रहेगा तो काम नहीं करेगा वो सेंसर। तो इसीलिए सबसे पहले आप वो सेंसर को का रस्ट कहीं पे है नहीं, कहीं धूल मिट्टी है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है, फिजिकली आपको चेक करना है। फिर उसके बाद जो लिखा है, चेक द वायरिंग हॉर्नेस, चेक हार्नेस फॉर डैमेज, चेक इलेक्ट्रिक कंटिन्यूटी, आपको इलेक्ट्रिक कंटिन्यूटी चेक करना है, इलेक्ट्रिक कंटिन्यू, ये 3 पॉइंट आपको चेक करने के बाद आपको फॉल्ट मिल जाएगा। बहुत बार क्या होता है आपकी, अगर इंटेक लाइन की कोई पाइप फटी है या फिर इंटेक लाइन से कहीं लीकेज है तो भी ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। जी हाँ, इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, तो आपको सारा चीज़ आपको फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक चेक करना पड़ेगा सारी चीज़। अब मैं आपको नेक्स्ट इसके नीचे वाला मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि सेंसर का लोकेशन, ये देख रहे हैं ट्रबल शूटिंग में आपको दिख रहा है, स्विच ऑफ इग्निशन, डिस्कनेक्ट द AMFM सेंसर, एयर मास फ्लो सेंसर एंड ECU कनेक्टर, ऑब्जर्व एनी डैमेज, इंश्योर द प्रॉपर फिटमेंट ऑफ सेंसर कनेक्टर, आपको चेक करना है जो कनेक्टर है प्रॉपर फिटेड हुआ है कि नहीं। आपको ये चेक करना है प्रॉपर फिट हुआ है कि नहीं कनेक्टर। फिर उसके बाद जो आपको सेकेंड पॉइंट में देखना है, क्लीन डिपॉजिट रस्ट, जो इसमें डस्ट है वो आपको क्लीन करना है। फिर
फिर जो तीसरा पॉइंट इज द प्रॉब्लम बिटवीन पिन, पिन से आपको कंटिन्यूटी मिलाना है वायरिंग हार्नेस की। फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है चेक द वेदर सेंसर हैज़ फेल्ड, आपको चेक करना है सेंसर कहीं से ख़राब तो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मैं आपको इसका लोकेशन दिखा देता हूँ, ये देखिए हर एक फॉल्ट कोड में आपको इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। जितना मैं डीपली कोई भी कोड का बताता हूँ उतना डीपली कोई भी कोड नहीं बताएगा। इसमें देख रहे हैं आपको ध्यान से, ये देखिए सप्लाई ग्राउंड एनटीसी, इसमें कितने ओम आने चाहिए, कौन से पिन नंबर से आना चाहिए, ये देख रहे हैं ईसीयू का पिन नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, ईसीयू का पिन नंबर लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि आप इतना पॉइंट अगर चेक करें तो आपको 100% प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा और गाड़ी आप ठीक कर देंगे। ये मैं छोटा सा इंजन का डायग्राम भी आपको दिखा रहा हूँ, ये लोकेशन देख लीजिए आप, क्योंकि अगर आपको लोकेशन नहीं मालूम रहेगा तो आप कहाँ से चेक कर पाएंगे। ये अल्ट्रा प्लेटफॉर्म का है, यह आप लोकेशन देख पा रहे हो। आशा करूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको टाटा का सॉफ्टवेयर गरुड़ा वी कनेक्टर, महिंद्रा का आई स्मार्ट जालटेस्ट का हार्डवेयर, VXDIG हार्डवेयर चाहिए तो आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करिए। धन्यवाद। मैं अमित उपाध्याय और आप देख रहे हैं AS ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल।